हाय एवरीवन, तो मैंने भी रिसेंटली प्लेस्टेशन 5 फाइनली मुझे मिला और इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस डाली थी अनबॉक्सिंग और क्या थी मेरी जर्नी। तो आप लोगों से काफ़ी के कमेंट्स आए कि चलो प्लेस्टेशन की तो इतनी बात नहीं हुई, पर ये कि टीवी कौन सा है और जो साउंड बार मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कौन सा है। तो मुझे लगा शायद एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं अपना जो प्लेस्टेशन 5 के जो मैंने सेटअप क्रिएट किया है, मुझे लगभग एक साल लगा है रिसर्च करने में, ख़रीदने में और इस सेटअप को बनाने में। तो मुझे लगा कि एक वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सेटअप के बारे में बताता हूँ जो मैंने प्लेस्टेशन 5 के लिए क्रिएट किया है। और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा सेटअप है क्योंकि ये प्लेस्टेशन 5 की जो बेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें लेवरेज करता है और उन्हें मैक्सिमाइज़ करता है। तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होएगा अगर आप इस तरह का सेटअप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टीवी से, क्योंकि टीवी सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लेस्टेशन के बाद ऑफकोर्स आपकी गेमिंग सेटअप में। और मैंने जो टीवी लिया है यहाँ पे वो है LG CX65 inch। ये एक OLED टीवी है। अब OLED टीवी लेने का मेरा डिसीजन इसलिए था क्योंकि मेरे पास इससे पहले एक 55 inch का नॉर्मल LED टीवी है। पर अगर हम बात करें HDR, कलर रिप्रोडक्शन, इन तरह की चीज़ों की, तो जो एक LED टीवी है, ऑल दो आजकल के LED टीवीज काफ़ी अच्छे हो गए हैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ मैं, पर कंपेयर टू एन OLED जो कि ऑर्गेनिक LED टीवीज होते हैं, यहाँ पे जो कलर रिप्रोडक्शन है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो एक LED टीवी नहीं रिक्रिएट कर सकता। तो अगर अभी हम बात करें इमेज क्वालिटी में, एंड नॉट जस्ट गेमिंग की बात करें, अगर जनरली मैं बात करूँ आपके टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इस टाइम पे OLED से बेटर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मार्केट में। बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है, जो डीप ब्लैक्स होते हैं एक OLED टीवी में, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल डीप ब्लैक्स होते हैं। और जो HDR है, हाई डायनामिक रेंज, वो भी इस टीवी में जैसे रिप्रोड्यूस होती है शायद ही किसी और टेक्नोलॉजी में वो क्रिएट हो पाती है। हाँ, QLED टीवी जो सैमसंग जैसे ब्रांड्स भी बेचते हैं वो काफ़ी क्लोज सेकेंड आते हैं और QLED की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। पर मैंने OLED के साथ जाने का डिसीजन लिया क्योंकि OLED के रिव्यूज़ मैंने जितने भी पढ़े हैं बहुत बेटर है बाकी किसी भी टेक्नोलॉजी से। और ऑफ कोर्स 65 इंच टीवी होने का एक अलग एक्सपीरियंस है एक बेडरूम के हिसाब से, क्योंकि मैंने बेडरूम में रखा है टीवी, तो उसके हिसाब से मुझे काफ़ी अपसाइज लगता है और काफ़ी इन्जॉयबल व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है। अगेन, नॉट जस्ट गेम्स खेलते हुए बट नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये सारी चीज़ें भी मैं इस टीवी पे देखता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा रिच एक्सपीरियंस होता है। इसमें डॉल्बी विजन भी सपोर्टेड है जो कि एक तरह का HDR फॉर्मेट है, जिसमें यू नो कुछ स्पेसिफिकेशंस अराउंड HDR, कलर रिप्रोडक्शन, तो उस तरह की, तो काफ़ी रिच एक तरह का फॉर्मेट माना जाता है और वो भी सपोर्ट करता है LG CX टीवी। तो हिसाब से काफ़ी खुश हूँ मैं इस टीवी से। ऑल्दो एक इसका जो कौन कह सकते हैं वो ये है कि OLED टीवी में अगर आप बहुत देर तक एक ही स्टैटिक इमेज रखें तो बर्न इन आ जाता है स्क्रीन में। बर्न इन से मेरा मतलब है कि एक एरिया हो जाएगा जहाँ पे आपको गोस्ट इफेक्ट देगा, जैसे अगर आप स्क्रीन पे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, मान लीजिए अगर मैं बहुत ज़्यादा घंटों तक यही स्टैटिक इमेज रखूँ तो यहाँ पे एक बर्न इन आने का खतरा रहता है। ऑल्दो आजकल की टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक मिटिगेट कर दिया है, पर तो भी एक कंसिडरेशन। और गिवन दैट प्लेस्टेशन में जहाँ पे जो मेन्यूज होती हैं वो यूजुअली वहाँ पे आइकॉन्स की पोजीशन एक ही जगह होती है, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क रहता है और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, 4-5 साल मुझे नहीं लगता कि कुछ होएगा, पर जब भी एक पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए। बट ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टीवी है एट दिस टाइम। लगभग 2,20,000 रुपये का पड़ा था मुझे ये पिछले साल, इस साल भी लगभग 2 लाख के आसपास ही है इसकी रेंज। नया वर्जन आ गया है इसका LG C11, बट अगर आप एक हाई एंड टीवी सोच रहे हैं लेने की, 55 इंच में भी आता है ये टीवी, तो आप LG CX देख सकते हैं। तो इसका मेन कंपोनेंट है ऑफकोर्स प्लेस्टेशन 5। ये खरीदना कोई बहुत आसान काम नहीं था, मुझे 6 महीने से ऊपर लगे हैं। फाइनली मैंने प्री बुकिंग की थी जनवरी में सोनी सेंटर में अपने लोकल, वहाँ से ये अवेलेबल हुआ है ऑनलाइन। बहुत बार कोशिश कर ली मैंने, 3 बार शायद मैं ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक तो मुझे नहीं मिला। तो ये ही सबसे डिफ़िकल्ट पीस है इसे पूरे सेटअप में ढूंढना और पाना। अभी जैसे हाल है रीस्टॉक्स बहुत कम आ रहे हैं और काफ़ी कम क्वांटिटीज़ में आ रहे हैं, बट ये एक चीज़ है जो सबसे मुश्किल है और सबसे ज़रूरी भी है इस सेटअप में अगर आप गेमिंग कर रहे हैं। तो ये प्लेस्टेशन 5 की बात।
इसके साथ मैंने एक और एक्स्ट्रा कंट्रोलर लिया, क्योंकि यूजुअली जब आप गेम खेल रहे हो और बैटरी ख़त्म हो जाए एकदम, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आपके पास एक एडिशनल कंट्रोलर हो जो आप स्विच कर सकें, जिस पर पहले वाला चार्ज पे लगा सकें। और ऑब्वियसली अगर कभी आपके कोई दोस्त आते हैं और मल्टीप्लेयर गेम खेलना चाहें तो भी एक दो कंट्रोलर सेटअप आपको काफ़ी ईजी रहता है उस केस में, ऐसी सिचुएशन में। चलिए बात करते हैं अब साउंड बार की। अब जब मैंने टीवी लिया तो इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी था, विच गॉट मी थिंकिंग कि एटमॉस क्या है। मेरे पास एक 5.1 सेटअप था तो मैंने वो बेच दिया और उसकी जगह एक 5.1.4 सेटअप लिया मैंने, JBL का, JBL 9.1। तो 5.1.4 का क्या मतलब है, ये एक एटमॉस सपोर्टेड होम थिएटर सिस्टम है जिसमें आपको मिलेंगे 3 फ्रंट स्पीकर, 2 बैक स्पीकर, 1 वूफर और 4 ट्वीटर्स जो ऊपर को फायर करते हैं। एंड द आइडिया हियर इज़ कि जो वो 4 ट्वीटर्स फायर करते हैं वो आपकी वो सीलिंग से रिफ्लेक्ट होके आपको एक कंप्लीट 3D सराउंड साउंड देगा। तो ये 5.1 या 7.1 से कहीं बेटर टेक्नोलॉजी है और एक तरह से ट्रू 3D एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं आप इसे। तो उस हिसाब से वो सोच के मैंने ये साउंड बार लिया। इसमें एक साउंड बार आगे है, 2 स्पीकर्स हैं जो साइड या पीछे की तरफ लगते हैं और एक वूफर है। अच्छा, अब इसमें एक प्लेस्टेशन का ऑफिशियल 3D ईयरफोन्स भी आते हैं या हेडफोन्स भी आते हैं, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं प्रेफर यूजुअली करता हूँ हेडफोन्स ना पहनना और स्पीकर पे गेम्स खेलना। तो उस हिसाब से इसीलिए मैंने JBL के 9.1 सेटअप लिया है। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी लगभग 85,000, अभी भी ये इसी प्राइस के आसपास है और मेरे रिव्यूज़ में या मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छा रहा है। जो उसका बेस है, जो थंप है, काफ़ी अच्छा है और जो उसका सराउंड साउंड इफेक्ट है, अगर आप देखें तो नेटफ्लिक्स वगैरह भी तो फील होता ही है बट गेम्स में खासकर और उभर के आता है और काफ़ी एनरिचिंग होता है ये एक्सपीरियंस जब आपको चारों तरफ से साउंड एमुलेट हो रही होती है। तो उस हिसाब से ऑडियो और वीडियो में आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, तो मैंने ये एक अच्छा साउंड बार सिस्टम भी लिया है। अच्छा, चलिए बात करते हैं टीवी यूनिट की। अब ऑब्वियसली एक साउंड बार होना, प्लेस्टेशन होना, उनकी गेम्स रखना और भी काफ़ी सामान होता है, तो मैं चाहता था एक ऐसा टीवी यूनिट जो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन का हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे टीवी यूनिट्स आपको बाज़ार में मिलेंगे, अलग अलग रेंज पे आते हैं, 1,000 रुपये से लेकर आप 40,000 तक के भी देख सकते हैं टीवी यूनिट्स। मैंने जो ये वाइट कलर का टीवी यूनिट लिया है ये मुझे पड़ा लगभग 4,000 रुपये का। अगेन मेरा आइडिया था कि मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, वाइट मुझे प्रेफर्ड कलर है मेरा, तो इसलिए मैंने वाइट कलर का लिया और काफ़ी स्टर्डी है ये, 4,000 रुपये थे इसकी कॉस्ट, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये। 5 महीने हो गए मुझे यूज़ करते हुए इसे और अभी तक कोई इशू मुझे इसमें दिखा नहीं है। लोड आराम से उठा लेता है ये, कोई उसमें बेंडिंग या इस तरह के इश्यूज नहीं आए हैं। क्लीन करना काफ़ी इजी है और जो इसके ओवरऑल एस्थेटिक्स हैं एटलीस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी हैंडी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फिट आ जाती हैं। तो उस हिसाब से ये एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है पर आपका जो सेटअप है उसे काफ़ी नीट और अच्छा दिखने में हेल्प कर सकता है। चलिए, ये तो थे बड़े खर्चे, आप कुछ ऐसे छोटे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आपके सेटअप में। एक चीज़ है जो सबसे अच्छी नहीं लगती या इरिटेट करती है, वो है केबल मैनेजमेंट। अब अगर कोई भी आप कहीं भी सेटअप कर लें, आपकी जो HDMI केबल्स हैं, जो पावर केबल्स हैं, वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके बिल्कुल टीवी के पीछे ही हाइड हो सकते हैं, आपका पोर्ट्स सारे टीवी के पीछे हो। तो ये केबल्स ऑब्वियसली ट्रैवल करती हैं और काफ़ी अनप्लीजिंग टू द आइज लगती हैं क्योंकि ये एक तो कभी स्ट्रेट नहीं रहती, कभी इधर जा रही होती है, कभी उधर जा रही होती है। तो ये काफ़ी, अगर आपको स्पेशली OCD है जैसे मुझे, तो काफ़ी अनएस्थेटिक लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी केबल मैनेजमेंट सिस्टम्स ढूंढे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, कुछ थे काफ़ी महंगे थे, मुझे कोई पॉइंट नहीं लगे थे पैसे खर्चने का। तो फाइनली मैं अपने लोकल इलेक्ट्रिशियन के पास गया और मैंने ये एक सिंपल सी, ये आपके इलेक्ट्रिशियंस भी यूज़ करते हैं घर में इंटीरियर्स में केबलिंग के टाइम, तो ये एक सिंपल सा प्लास्टिक का 50 रुपये का आता है ये, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसे, बट इसमें आप केबल्स डाल सकते हैं, आसानी से खुल जाता है ये और जितना काटना है मैंने उस अपनी लेंथ के हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत है उतना काट लीजिए। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसे लगाना बहुत ही आसान है। अब इसकी बैक साइड है, यहाँ पे कुछ प्रिंट भी है, मैं नहीं चाहता वो दिखे, तो मैंने कुछ नहीं किया, डबल साइडेड टेप ली पीछे की तरफ इसके लगाई और वो दीवार पर जाके स्टिक कर दिया। तो
काफ़ी ज़्यादा नीट हो गया इसे मेरा सेटअप, कोई ऐसी लूज केबल या वायर नहीं है जो दिख रही होती है, और काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है अगर आपकी केबल मैनेजमेंट सॉर्टेड हो तो। उस हिसाब से ये ऑल दो 50 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी, बट काफ़ी क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट लगी मुझे, और काफ़ी खुश हूँ मैं रिजल्ट से, और काफ़ी सिंपल है, आप खुद घर पर भी कर सकते हैं। और भी कुछ डेकोरेटिव पीसेस हैं जो मैंने साथ में रखे हैं टीवी यूनिट के, ताकि ओवरऑल थोड़ा और बेटर लग सके। तो मुझे मिनीचर कार्स एंड बाइक्स का थोड़ा शौक है, तो जो बाइक देख रहे हैं आप, ये मैंने ली थी हैमलेस से, लगभग 300-400 की पड़ी थी। और ये जो फॉर्मूला 1 कार है, ऑल्दो फरारी मेरी फेवरेट टीम है, पर फरारी की ये मिनीचर मॉडल मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये रेड बुल का है ये, और ये मुझे लगभग 1100 रुपये का पड़ा था अमेज़ॉन से, आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप रखें, आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप कुछ और भी रख सकते हैं अपने टीवी यूनिट पे, या नहीं रखना चाहें तो भी कम्प्लीटली फाइन है। और ये एक क्यूट सा आउल लैम्प है जो मैंने आईकिया से लिया था हैदराबाद से, तो ये लगभग 1000-1500 रुपये का था। ये एक और छोटी सी चीज़ है जो टीवी यूनिट पे रखता हूँ। और फाइनली दो बैम्बू प्लांट्स हैं, फ्लिपकार्ट पे आपको 250 रुपीज़ के मिल जाएंगे, मैंने दो लिए थे। ऑफकोर्स इनके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप इन्हें रेगुलरली पानी देते रहें। मैंने एक स्पेशल न्यूट्रिएंट की बॉटल भी खरीदी है, क्योंकि नहीं तो बैम्बू प्लांट्स जैसे आप लाएं एक हफ्ते के अंदर यूजुअली मर जाते हैं। तो एक न्यूट्रिएंट की बॉटल खरीदी है मैंने लगभग 300 रुपये की, और हफ्ते में एक बार मैं वो न्यूट्रिएंट इनके पानी में डाल देता हूँ। तो अभी तक तो ये प्लांट्स ठीक चले हैं, ऑल दो ये आपको हर 6 मंथ में चेंज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है इन्हें मेंटेन करना। तो ये था मेरा सेटअप, और इसमें एक चीज़ ऑफकोर्स मिसिंग है, वो है गेमिंग चेयर। ऑल दो मेरे रूम में गेमिंग चेयर की जगह नहीं है, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली सोफे पे बैठ के खेलनी पड़ती है गेम, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। पर अगर आप चाहें तो एक अच्छी गेमिंग चेयर भी ले सकते हैं, लगभग 10-15 हज़ार की ऑप्शन आपको कहीं मिलेंगे ऑनलाइन, तो ये भी आप एक चीज़ है जो कंसिडर कर सकते हैं एज अ फ्यूचर कम्फर्ट। तो आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप एक प्लेस्टेशन 5 ढूंढ रहे हैं तो आपको जल्द ही मिले, अगर ऑलरेडी नहीं मिला है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमने इस वीडियो में दिखाए, ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन को मैं आंसर करूँ। और फाइनली इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।